नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों, और एक अपडेट लेकर के आया हूं दोस्तों। तमाम जो परीक्षाएं हुई थी मध्य प्रदेश में ESB के द्वारा दोस्तों, जो कि चुनाव आचार संहिता लगने से अब नए साल में होगी भर्तियां दोस्तों। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ESB के द्वारा इस साल समय सारणी के अनुसार विभिन्न विभागों में अब तक 12 भर्ती और पात्रता परीक्षा करवाई गई दोस्तों। इनमें से 7 भर्ती परीक्षा के परिणाम अब तक जारी नहीं किए गए दोस्तों, परिणाम नहीं आया है। मंडल ने सिर्फ पात्रता व प्रवेश परीक्षा के परिणाम जारी किए हैं। अब आचार संहिता लागू होने से इस साल भर्ती प्रक्रिया नहीं हो पाएंगी दोस्तों। आपको पता है पटवारी भर्ती जो फर्जीवाड़ा हुआ वो अभी मामला लटका हुआ है। इसके बाद वन रक्षक का अभी रिजल्ट नहीं आया दोस्तों। ग्रुप 4 का दोस्तों एग्जाम हुआ है, रिजल्ट नहीं आया है। इसके बाद वर्ग 1 की चयन परीक्षा हुई है, उसका रिजल्ट नहीं आया है दोस्तों। वर्ग 2 की चयन परीक्षा का नोटिफिकेशन नहीं आया, ना ही उसका भी एग्जाम हुआ है दोस्तों। इस तरीके से 7 परीक्षाओं में से लगभग 40,000 पदों के लिए जो परीक्षाएं हो चुकी हैं, चाहे वो MP पुलिस का हो, जेल प्रहरी हो, वन रक्षक हो, इनको समेत लगभग विभाग की 7 परीक्षाएं जो है, 7 प्रकार की जो वैकेंसियाँ थी दोस्तों, उनके परीक्षा परिणाम नहीं आने से लाखों अभ्यर्थी परेशान हैं। और साथ ही साथ पटवारी भर्ती प्रक्रिया लटक जाने के कारण और भी जो युवा रोष में है दोस्तों। इस तरीके से जो है सरकार ने, या देखा जाए तो ESB ने, इस प्रकार का नाटक करके रखा है। परीक्षाओं का जो है रिजल्ट जारी नहीं किया जा रहा है दोस्तों। ग्रुप 5 स्टाफ नर्स, सहायक पशु चिकित्सक अधिकारी, ये समस्त परीक्षाएं 5 जून से 3 जुलाई के बीच हुई थी। इससे 90,000 अभ्यर्थी भाग लिए थे दोस्तों। सहायक ग्रेड 3, असिस्टेंट, स्टेनोटाइपिस्ट आदि समस्त परीक्षाएं 28 जुलाई तक हुई थी। इसमें 1,00,000 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। मंडल के द्वारा दोस्तों अभी तक परीक्षा का जो भी रिजल्ट है जारी नहीं किया गया, केवल इसमें प्री वेटनरी एंड फिशरी प्रवेश परीक्षा और एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी टेक्नोलॉजी टेस्ट का परिणाम 29 सितंबर को लास्ट एक रिजल्ट जारी किया गया दोस्तों। और शिक्षक पात्रता परीक्षा का परिणाम 17 अप्रैल को मंडल ने जारी किया है। इसके अलावा समस्त तमाम परीक्षाएं लंबित पड़ी हुई हैं, अभी कोई भी रिजल्ट नहीं आ रहा दोस्तों। और वर्तमान में चुनाव चल रहा है, तो आप समझ लीजिएगा 3 दिसंबर को इसका रिजल्ट आने वाला चुनाव का, यानी कुल मिला के सत्र 2023 खत्म दोस्तों, कंप्लीट होने जा रहा है। यानी सारी परीक्षाएं जितनी हुई थी उन सब पर जो सरकारी भर्ती जो है 2024 में होने वाली दोस्तों। ये अपडेट जो है आया है दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाएं, ताकि प्रत्येक अपडेट आपको समय समय पर मिल सके। आचार संहिता लागू हो चुकी दोस्तों, किसी प्रकार की कोई नया नोटिफिकेशन भर्ती अभी नहीं हो सकती। जो भी होगा न्यू ईयर में ही होने वाला है, न्यू सरकार बनने के बाद ही होगा दोस्तों। अब देखते हैं, जो भी अपडेट आएगा हम जरूर आप तक शेयर करेंगे। धन्यवाद।